नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के एक बहुत ही हॉट, बिल्कुल गर्मा गर्म 2019 के फीचर के बारे में। मतलब वैसे फीचर की बात करें तो काफी टाइम से लोग इसके पीछे पड़े थे, काफी लोगों ने अपील किया था कि भाई ऐसा कोई सिस्टम आए। व्हाट्सएप को बहुत सारे कमेंट किए गए थे कि भाई ऐसा कुछ आना चाहिए, और फाइनली व्हाट्सएप ने ऐसा कुछ ला दिया है। ऐसा कुछ क्या है और ऐसा कुछ क्यों करना चाहिए, आपको जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। अब देखिए, व्हाट्सएप ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब आप इमेजिन करो, एक टाइम था जब व्हाट्सएप को कोई जानता नहीं था, सारे काम मैसेज पे होते थे, या फिर आपको किसी को मल्टीमीडिया फाइल भेजनी होती थी तो आप काम में लेते थे मेल या फिर पेन ड्राइव वगैरह। मतलब ऑनलाइन करो, टाइम ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे रेवोल्यूशन कुछ ऐसा आया कि भैया आज के टाइम में अगर आपको किसी को कुछ भी भेजना है कहीं भी, तो भैया सबसे पहले दिमाग में आता है व्हाट्सएप। छोटी मोटी बड़ी फाइल जितनी भी है सब आप व्हाट्सएप में अटैच करके यहाँ से वहाँ मिनटों में भेज देते हो। इतनी सारी फैसिलिटी आती है, इतनी सारी चीजें आ रही है, लेकिन इनके साथ ना एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, वो आ रही है आपकी प्राइवेसी। प्राइवेसी के साथ बहुत सारी छेड़खानी होती रहती है, और यहाँ पे आए दिन कस्टमर जो है वो भैया रहते हैं परेशान कि कैसे इन सारी चीजों से बचे। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसी ही एक नई प्राइवेसी कंट्रोल की चीज, जिसको आप एक्टिवेट करके आप बहुत ही बड़े हेडेक से बच सकते हो। अब हेडेक की बात करें तो वो है दोस्तों ग्रुप। ग्रुप अच्छे भी होते हैं, ग्रुप खराब भी होते हैं। कुछ ग्रुप में आप खुशी से रहते हो, कुछ ग्रुप में आप मतलब नाखुश होकर रहते हो, जबरदस्ती रहना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि अभी तक अगर मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप के अंदर तो मैं किसी को भी उसमें रैंडम बेसिस पे ऐड कर सकता हूँ, मतलब इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब व्हाट्सएप ने इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम किया है, और अब यहाँ पे व्हाट्सएप नया फीचर लेके आया है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, कैसे एक्टिवेट करना, और इससे होगा क्या, करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यंत्र खोल लेना है, अपना मोबाइल यंत्र, और उसके अंदर जाना है आपको व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप के अंदर खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वहां पे आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स में जाते हैं, वहां पे देखते हैं क्या चीज है। तो वहां पे आपको जाना है अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये सेटिंग जो है सारी मिला जुला के सही रहेंगी, चाहे आपके पास एप्पल डिवाइस है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, या कोई सा भी डिवाइस है। वैसे हालांकि यही दो है मेन डिवाइस, तो इन दोनों के अंदर सेटिंग आपको सेम ही मिलेंगी। सेटिंग के अंदर अकाउंट के अंदर जाके आपको जाना है प्राइवेसी के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइवेसी के अंदर पहले सिर्फ चार टैब आते थे, मतलब सिर्फ चार ऑप्शन आते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे ऊपर गया, पांच टैब आ गया, और यहाँ पे एक नया टैब इंसर्ट हुआ है, उसका है नाम ग्रुप। अब आप यहाँ पे जाओगे आप ग्रुप के अंदर, और ग्रुप में देखोगे कि फर्दर तीन ऑप्शन और आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप के अंदर आपको कोई भी पहले ऐड कर सकता था, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे कंट्रोल आ गया है, मतलब कोई भी भैया डायरेक्ट मुंह उठा के आपको ऐड नहीं कर सकता है। अगर आप सिलेक्ट करते हो एवरीवन, तो यहाँ पे भैया सिंपल सी बात है, आपने सबको छूट दे रखी है कि मेरे को हर ग्रुप में ऐड कर लो। जिसके पास भी आपका व्हाट्सएप का नंबर है, वो आपको इजिली बिना किसी टेंशन के ग्रुप में ऐड कर सकता है, और आपको मैसेज की बाहर से परेशान कर सकता है। अगर हम जाते हैं माई कॉन्टेक्ट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो नंबर जो आपके फोन के अंदर सेव है, जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, सिर्फ वही लोग आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ऐसे रैंडम कोई भी बंदा आपको उठ के ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है। अगर आप करते हो नोबडी, तो यहाँ पे भी है सिंपल सी बात है, आपको ग्रुप में कोई भी ऐड नहीं कर सकता। तो अगर आप सिंपली मतलब परेशान हो ग्रुप से, तो आप नोबडी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत बार मैंने जैसा बताया था कि कुछ ग्रुप काम के होते हैं, कुछ बेकाम के होते हैं। अब यहाँ पे काम वाले ग्रुप भी हाथ से छूट जाते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास नोबडी या कोई भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो ग्रुप बना रहा है बंदा, कोई भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, फैमिली है, ऑफिशियल ग्रुप है, वो बंदा आपको इनविटेशन भेज सकता है, इनविटेशन लिंक आपको पर्सनल मैसेज में भेज सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, वहाँ पे आप क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया ये सिंपल से तीन ऑप्शन है, मैंने बता दिया आपको कैसे एक्टिवेट करना है। नहीं किया है तो अभी के अभी जाके ये एक्टिवेट कर लो, क्योंकि इसे एक्टिवेट करने के बाद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हो। तो इंतजार किस चीज़ का, जाइए और जल्दी से इसको एक्टिवेट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आपके दोस्त जो ऐसी चीज़ों से परेशान है प्लीज़ शेयर कर देना, और आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।